हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। दोस्तों, प्रतिदिन की भागदौड़ भरी दिनचर्या में काम और घर परिवार से जुड़ी कई बातें आपको मानसिक रूप से थका देती हैं और तनाव का कारण बनती हैं। अगर आप मानसिक तनाव के शिकार हैं तो आपको श्रीमद् भगवत के श्लोक पढ़ने चाहिए। अज्ञात भय या असुरक्षा की भावना होने पर श्रीमद् भगवत अंधकार में ज्योति की तरह काम करती है। गीता में जिंदगी का सार छिपा हुआ है। इसमें जिंदगी से जुड़ी हर समस्या का समाधान है। जब कभी भी आप अवसाद की भावना से घिर जाएं, तो श्रीमद् भगवत के कुछ श्लोक, जिनका अनुवाद मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूं, इनको जरूर पढ़ें या सुने, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष हम नहीं हैं, और ना ही यह शरीर हम हैं। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा ना कभी मरती है, ना इसका जन्म है और ना मृत्यु। आत्म भाव में रहना ही मुक्ति है। परिवर्तन संस्कार का नियम है। यहां सब बदलता रहता है, इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थिर रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। अपने को भगवान के लिए अर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा करेंगे और हम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। हम जो भी कर्म करते हैं उनका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। कोई भी काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि हम अपना ही काम करें, वह भले अपूर्ण क्यों ना हो। सभी के प्रति समता की भावना, सभी कर्मों में कुशलता और दुख रूपी संसार से वियोग का नाम योग है। तो दोस्तों, ये कुछ श्लोक थे भगवत गीता के, जिनके मैंने आपको जिनका अनुवाद इस वीडियो में बताया। अगर आप इनको गहन से समझेंगे तो आपको पक्का अपने दुखों से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी और आपका मन शांत रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।